हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वापस आ चुके हैं फार्मिंग सिमुलेटर 22 की 100 मिलियन जर्नी के साथ। और गाइस फाइनली इस 100 मिलियन की जर्नी में हमने 10 मिलियन तक की जर्नी अभी कंप्लीट कर लिया है। अभी सिर्फ 90 मिलियन की जर्नी कंप्लीट करना बाकी रह गया, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास काफी सारे प्रोडक्शन यूनिट हो गई है और इनकम के अच्छे खासे सोर्स हो गए, जहां से अच्छे खासे इनकम हम जनरेट करने वाले हैं। तो आगे आने वाले टाइम में 100 मिलियन की जर्नी हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं और आज हम काफी सारी चीजों का प्लांटेशन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आने वाले हैं काफी ज्यादा मजे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी सारे लोग चैनल पर नए आएंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ओके, तो अभी देखोगे तो मंथ आ चुका है दिसंबर का और इस मंथ में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी मार्च वाले मंथ में जाना है और इस मंथ में जितनी सारी चीजों का हम प्लांटेशन कर सकते हैं ना, वो सारी चीजों का प्लांटेशन करने वाले हैं। एक बार को हम चेक कर लेते हैं कि इस मंथ में हम क्या चीजें कर सकते हैं, प्राइस वगैरह किस चीज का अच्छा होगा तो हम उसको सेल करेंगे। हमारे पास पड़ा हुआ है काफी सारा लेटेस्ट का प्राइस लास्ट टाइम ना दिसंबर में ज्यादा था, बट अब जनवरी में ज्यादा हो गया, तो इसको हम नेक्स्ट मंथ सेल करेंगे। बाकी और कुछ तो हमारे पास है नहीं, सारी की सारी चीजें सेलिंग मोड पे लग रखी हैं। बस एक चीज और मुझे करना है, ये देखो क्या ग्लिच हो रखा है यहाँ पर, और कितने सारे एनिमल यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार मुझे चेक करना है कि मिल्क कितना है, क्योंकि मिल्क डाल दूंगा ना तो वहाँ पर प्रोसेस होता रहेगा, जिससे कि वहाँ से चीज और बटर बनते रहेंगे, तो उसको सेल करना है। और वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है ना, चीज और बटर। एक बार इसका भी प्राइस चेक कर लेता हूँ, अगर ठीक ठाक रहेगा तो इसको हम सेल कर देंगे। इसका प्राइस नहीं है, जनवरी में इसका प्राइस अच्छा आएगा और इसका भी। सारी चीजों को हम जनवरी में सेल करने वाले, ये वाला मंथ मुझे लग रहा है अभी स्किप ही कर देना चाहिए। और इसमें पड़ा हुआ है मिल्क 12,000 लीटर मिल्क, इतने मिल्क से हम बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फूड इसमें पड़ा हुआ है ना, फूड इसमें 0 लीटर, 0 कैसे हो गया, एक सेकंड, इसमें सारी चीजें है नहीं है, ओ नो, इसमें पहले तो फूड डालना पड़ेगा। वेट वेट वेट, भाई लास्ट टाइम इसमें फूड तो पड़ा हुआ था, हाँ ना, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम इसमें फूड पड़ा हुआ था, अब तो इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ है। इसमें 22,000 लीटर है बट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना हे लाके डालना पड़ेगा, यहाँ पर देखो हे बिल्कुल नहीं है। ओके चलो, अच्छा हुआ मैंने ध्यान दे दिया, नहीं तो फिर ये मैं मिस कर देता ना तो काफी ज्यादा का नुकसान हो जाता। चल के ना फटाफट से पहले हे परचेस करके लाता हूँ। और भाई विंटर का सीजन आ चुका है, थोड़े टाइम में ना यहाँ पर इतना ज्यादा बर्फबारी हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखने वाला है, अभी तो काफी ज्यादा कम बर्फबारी हो रहा है। हाँ जी भाई, चलो फटाफट से काम करो, हे दे दो। कितना बाय कर लू, 8, 16, 24 बाय कर लू, ठीक है 24 मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। इसको फटाफट से लोड करवाते हैं, इतना आ जाएगा कि नहीं ट्रेलर पे एक बार में, आ तो जाना चाहिए। ये कैसे लटक गया हवे में, ओ भाई लोड हो जा, ओ नो ये तो लोड ही नहीं हो रहा, यहाँ से लोड करवाता हूँ। ओके ये भी हवे में लटक गया, अब इसको कैसे लोड कराऊं, आ गया आ गया आ गया, एक तो आ गया, तो ये पूरा हो चुका है फुल। और अभी भी यहाँ पर टोटल 5 बेल्स रह जाते हैं, कोई बात नहीं, 5 बेल्स को मैं बाद में आके ले जाऊंगा, वैसे इतने बेल्स की जरूरत थी नहीं बट मैंने ऐसा ही परचेस कर लिया। भाई पैसों की कमी नहीं है तो हम देखते ही नहीं भाई कि कितना का परचेस कर रहे हैं। वेट, मेरे पास कैनोला और सनफ्लावर ऑयल भी पड़े हुए हैं ना, ये देखो ये काफी सारे आ गए हैं। पैलेट स्पॉनर पूरा फुल हो चुका है। एक बार को मैं इसका प्राइस भी चेक कर लेता हूँ, कैनोला ऑयल का प्राइस अच्छा चल रहा है, यस इसको सेल करना है। और सनफ्लावर ऑयल का प्राइस फेब में अच्छा आएगा, इसको नहीं सेल करना, बट कैनोला ऑयल को मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है ठीक है। चलो हाँ जी भैया जी, ये लो, गलत साइड उतार दिया, वापस से लोड कराओ। ओके इस साइड को अनलोड करो, पूरा फुल हो गया भाई, बहुत ज्यादा बचने वाला है क्योंकि मैंने ना कुछ ज्यादा ही ला दिया, कोई बात नहीं इसको रख दूंगा, बाद में काम में आ जाएगा। यहाँ पर भी डाल दिया, एक काम करता हूँ यहाँ पर भी डाल ही देता हूँ, ये लो भाई तुम भी जितने की जरूरत है फटाफट से ले लो, बाकी जितना बचेगा मैं उसको साइड में रख दूंगा, बस इतना ही चाहिए था। ओके डन, तो ये जो बचा हुआ है इसको मैं यहाँ पर साइड में अनलोड कर देता हूँ, इस वाली जगह पर सीधा करके आ जाओ, ये यहाँ पर आ जाएगा, डन सीन। चलो अब यहाँ पर कोई भी चीज कम नहीं है ना, हे है, साइलेज है, स्ट्रॉ है, मिनरल फीड पड़ा हुआ है, ठीक है इस वाले में तो सारी चीजें डन है। एक बार को इस वाले में चेक कर लेते हैं, इस वाले में अब फूड बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हे, साइलेज, स्ट्रॉ, मिनरल फीड, यस सारी चीजें इसमें भी है। भाई इनका हेल्थ 0 कैसे हो गया, ओ नो, एनिमल इसमें 60 है, इनका पूरा पूरा हेल्थ ही 0 हो गया। अबे यार इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, इससे प्रोडक्शन अब बहुत ज्यादा कम होगा। इनका हेल्थ देखो 100% है बट इनका हेल्थ काफी ज्यादा कम हो गया, यही होता है भाई, थोड़ा सा इधर उधर गया ना तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ पहले काम करता हूँ, कैनोला ऑयल को सेल कर देता हूँ। कैनोला ऑयल ये है या आगे वाला, ये तो सनफ्लावर है, ठीक है आगे वाला कैनोला है। चलो फटाफट से लोड हो जाओ, लोड क्यों नहीं हो रहा, ये लोड नहीं हो रहा, ठीक है अब लोड हो जाना चाहिए, यस लोड हो गया, बस इतना ही है भाई, थोड़ा और प्रोडक्शन होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, स्पॉन नहीं हो पाया था, बस इतना ही है।
ओके चलो ठीक है, जो भी है इतना सेल कर देंगे, जो भी प्रॉफिट निकल जाएगा देखते हैं इससे कितना प्रॉफिट निकल जाता है। भाई सेल करने से पहले इसका प्राइस तो चेक कर लेता हूँ ना, कहाँ पर ज्यादा मिल रहा है। 3400 सेल एवरीथिंग पे मिल रहा है, 3400 पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट पे, 96 हमारे यहाँ, 42 यहाँ पर है, एलन गेट पे 4000 मिल रहा है। भाई यहीं पर सेल करके आऊँ क्या? नहीं यार, उतना दूर जाने का कभी भी मन नहीं करता है। एक काम करो, चुपचाप से यहीं पर सेल कर दो, सबसे ज्यादा मेरे यहाँ ही है ना। हाँ नहीं, 3500 सुपर मार्केट में मिल रहा है, तो सुपर मार्केट वैसे ज्यादा दूर नहीं है। सुपर मार्केट ये पीछे साइड को ही पड़ता है ना। हाँ वो रहा ना, तो सुपर मार्केट पर ही सेल करके आता हूँ। मार्केट में भी तो सप्लाई करना चाहिए ना सारी चीजों का, हम अपने यहाँ सेल कर देते हैं। वैसे यहाँ से मार्केट में ही जाता होगा, बट हम डायरेक्ट मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। हाँ जी भैया जी, ये लो ऑयल ले लो। कितने का सेल होता है आप देखते हैं, 10-12 हजार का सेल तो हो जाना चाहिए। 28,000 का सेल हुआ, ओ नाइस, ये सही है ना भाई, उतने सही 28,000 का प्रॉफिट हमने निकाल लिया। और एक लास्ट काम करके मंथ को स्किप करते हैं। लास्ट काम ये रह गया है कि हमें यहाँ से मिल्क उठाना है काउबान से, और मिल्क को ले जाके डेयरी में डाल देना है, बस इतना ही करना है। एक बार को ये भी चेक कर लेता हूँ इसमें कितना पड़ा हुआ है लिक्विड फर्टिलाइजर, 540 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा। अच्छा हुआ चेक कर लिया, नहीं तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। हाँ जी भैया जी, चलो फिल कर दो इसमें। भाई 24,000 लीटर हो जाएगा, इतने ज्यादा मिल्क का प्रोसेस करने में डेयरी ना 2 महीने लगा देगा आराम से। चलो आ जाओ, यहाँ से भी फिल करवा लेते हैं। ओके डन, ऑलमोस्ट 26,000 लीटर हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। 25,000 लीटर है ना, एक काम करता हूँ 12,000 लीटर यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके डन, बस इतना ही, बाकी का जितना बचा हुआ है यहाँ पर डाल देते हैं, दोनों में बराबर बराबर रहेगा तो आराम से यहाँ पर काम चलता रहेगा। ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके डन, चलो ये काम हो गया, अब बस एक लास्ट काम कर लेता हूँ। यहाँ पर चल के सब में लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देते हैं। आ जाओ पहले इसमें डाल दो, 2 मिनट लगेगा, फटाफट से कंप्लीट करता हूँ। डन, पूरे में लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया, इसको वापस यहाँ पर लगाओ। यहाँ से वूल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ या नहीं? ओह स्टार्ट हो गया भाई, इसको भी लेके जाना है मेरे को, ये अभी ना कम है तो थोड़े टाइम और वेट कर लेते हैं। और एक चीज और देख लेता हूँ, फैब्रिक बनना स्टार्ट हुआ या नहीं, उसमें क्लॉथ बनने के लिए डाल सकते हैं। भाई मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी मंथ स्किप करूँ, लेकिन काम पे काम आया जा रहा है। यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ सिर्फ एक पैलेट, ठीक है चलो एक काम करते हैं नेक्स्ट मंथ में चलेंगे, फिर ज्यादा पैलेट हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ में हम लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब सो जाते हैं, सोने से पहले देखो 10.4 मिलियन पड़े हुए हैं ना, अब देखते हैं इस पूरे मंथ में कितने पैसे बन जाते हैं। ओके तो आ चुके हैं नेक्स्ट मंथ में, और अब हमारे पास बैलेंस हो चुका है 13.4 मिलियन। भाई एग्जैक्ट 3 मिलियन की अर्निंग हमारा यहाँ पर एक मंथ में हो रहा है, क्या बात है भाई, एक महीने में 3 मिलियन, बहुत ही जल्दी हमारा 100 मिलियन की जर्नी कंप्लीट होने वाला है। चलो थोड़े बहुत काम करने हैं इस मंथ में, फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो लेटेस्ट का प्राइस चेक कर लेता हूं, क्योंकि इसको सेल करना था। क्या अभी भी लेटेस्ट का प्राइस है? यस लेटेस्ट का प्राइस अच्छा खासा है। कितना मिल रहा है? एलन गेट पे 2200, फार्मर मार्केट पे 1900। ठीक है फार्मर मार्केट पे हम इसको सेल करने वाले हैं। चलो ट्रैक्टर उठाते हैं और ट्रैक्टर से ही लेके जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो मैंने रख रखा है ना वेयर हाउस में, वो ट्रक से नहीं निकल पाएगा, ट्रैक्टर से ही इसको करके निकालना पड़ेगा, काफी मुश्किल होता है, देखता हूँ निकल भी पाता है या नहीं वहां से। भाई बर्फबारी देख रहे हो कितना ज्यादा हो गया है, सारी चीजें ढक चुकी है यार, ओ भाई कितना ज्यादा बर्फबारी हुआ है यहाँ पर। हाँ जी भैया जी, इस पे लोड करवा दो। भाई कैसे लोड होगा इस पे, कोई ऑप्शन आएगा क्या? अनलोड करने को ऑप्शन आ रहा है, वाह अनलोड हो गया। अबे यार अनलोड नहीं करना था भाई, लोड कराना है मेरे को, लोड कैसे कराऊं? पीछे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, वहां पर तो अनलोड होता है। आई थिंक लोड कराने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा, इस वाले साइन के पास। भाई यही लोचा मेरे को लग रहा था कि होगा, और हो भी गया। यहाँ पर फिर भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कैसे लोड कराओ इसको? अबे यार रुको, इसको पहले इधर अनलोड कर दो। भाई आ जाना कोई ऑप्शन लोड कराने का, नहीं आ रहा। नॉर्मल ट्रेलर पे आएगा क्या? इस वाले पे तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखो मॉडल ट्रेलर है, तो मे बी इस पे ना आता हो। ओ वेट, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट नहीं उठा सकते, शायद से मुझे यहाँ पर आके ऐसे इसको बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे 113 पैलेट यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इस पूरे को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा शायद। नहीं एक बार में मैं 25 निकाल सकता हूँ, ऐसे करूंगा। ओ ये सीन है, अबे यार मैं पता है ये वाला ट्रेलर भी बाय करके लाया, मुझे लग रहा था कि इस वाले ट्रेलर पर लोड हो जाएगा। ये देखो इतना बड़ा ट्रेलर लगे, इस पे वैसे व्हीकल भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी व्हीकल चाहे ना तो इस पे हम लोड करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही मैं ले गया कि देखता हूँ इससे होगा या नहीं, बट फिर अभी जाके मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा सीन होता है। भाई मैं कितना गधा हूँ यार, इतना सिंपल सा तो था ये, फालतू में इतना बड़ा ट्रेलर परचेस करके लाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस पे तो लोड करवा सकता हूँ ना इसको। हैं भाई ये तो ऑटोमेटिक लोडर है, इस पे क्यों नहीं लोड हो रहा? अबे नल्ले आ जाना। ठीक है शायद से इस पे लोड नहीं हो पाएगा, इसको साइड में लगा देता हूँ, फालतू में भाई खरीद के ला दिया इसको, इधर इसको बाजू में लगा देता हूँ। अब एक काम करता हूँ ट्रक ही लेके चलते, ट्रक में ज्यादा आ जाएगा ना तो पूरा लेके जाएंगे यहाँ से। चलो भैया जी फटाफट से लोड कर दो, पास में लेके जाना पड़ेगा तब लोड होगा। ठीक है आने दो। ओके डन, सब लोड हो गया, वापस से यहाँ पर आना है
और यहाँ से वापस से बाहर निकलवा लेंगे। आ गया ना, चलो डन। ओ लोड होता जाएगा क्या? ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसे क्लिक करते जाना है, ये लोड होता जाएगा और एक ट्रेलर पूरा फुल हो गया। पहले इसको सेल करके आते हैं, बाकी का जितना बचा रहेगा फिर उसको लेके जाएंगे। और ग्रीन हाउस के पास भी अभी देखो काफी सारा पड़ा हुआ है, तो उसको भी लेके जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से ट्रक चली जाएगी, हाँ चली जा रही है। ये देखो ग्रीन हाउस पे भी बहुत सारा है, अच्छा खासा प्रॉफिट इससे भी निकल जाने वाला है। इसको फार्मर मार्केट पे ही सेल करके आता हूँ, फार्मर मार्केट जस्ट पीछे ही है, ज्यादा दूर जाना नहीं होता। ये फार्मर मार्केट ही है ना, एक बार को चेक कर लेते हो क्योंकि बहुत ज्यादा पहले गया था। यस वही है, और इतना बर्फ पड़ गया भाई, ये टायर देख लो कितना ज्यादा बर्फ में धस जा रहे हैं। एक सेकंड, इधर जाना है ना। हाँ जी भैया जी, ये लो लेटस ले लो, देखते हैं एक ट्रेलर का कितना पैसा बन जाता है। आई थिंक दो ट्रेलर तो हो जाने चाहिए क्योंकि अभी भी बहुत सारा हमारे पास पड़ा हुआ है। जाने दो जाने दो जाने दो। ओके डन, मान के चलो ऐसे 49,000 हमने यहाँ से बना लिया एक ट्रेलर से, तो लगभग 110,000 हम लेटस सेल करके बना लेंगे। लेटस को मैंने ऑटोमेटिक पे इसलिए नहीं लगा रखा है क्योंकि इससे उतना भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, इससे बहुत ज्यादा कम प्रॉफिट होता है और इसका प्रोडक्शन होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर इसको हम ऑटोमेटिक पे लगा देंगे ना तो फिर थोड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा, इसलिए मैंने इसको ऑटोमेटिक पे नहीं कर रखा है। चलो भैया जी आ जाओ, डन। जितना भी है सब बाहर निकलाओ, ये भी लोड करो, ये भी लोड करो, ये भी लोड करो। आने दो आने दो आने दो, सब बाहर आ गया क्या भाई? एक ट्रेलर पूरा फुल हो गया, ओ नाइस। तो मतलब कि तीन ट्रेलर होने वाले हैं। इसमें कितना बचा हुआ है? तीन बचे हुए हैं। ओके चलो इसको भी सेल करके आते हैं। हाँ जी भैया जी, ये भी लो। ओके डन, 48,000 का ये भी सेल हो गया। तीसरा ट्रेलर भी फुल करते हैं। अब पहले यहाँ से जितना भी बचा कुछ है ये लोड करो, और इसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ है ना, तीन पैलेट बाहर आ जाओ भैया जी, डन। और इसको भी लोड करा लेते हैं। ओके वेयर हाउस पूरा का पूरा खाली हो चुका है। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस पे भी जितने पड़े हुए हैं वो लोड कराते हैं। भाई ग्रीन हाउस पे भी काफी ज्यादा है, आई थिंक तीसरा ट्रेलर के बाद चौथा ट्रेलर भी हमारा बन सकता है। थर्ड ट्रेलर भी पूरा फुल हो गया, क्या चौथा भी पूरा फुल हो जाएगा? नहीं चौथा तो फुल नहीं होगा। इसको भी सेल करके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो थर्ड ट्रेलर भी हम सेल करके आ गए, देखते हैं फोर्थ का क्या होता है, फोर्थ पूरा फुल हो जाता है या थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है। तो ये तो आई थिंक हाफ ही रह जाएगा। सारा का सारा पैलेट हमने यहाँ से उठा लिया और ये हाफ से ज्यादा है। चलो कोई नहीं, सेल करके देखते हैं कितना पैसा बनता है इससे। हाँ जी ये ले लो, टोटल प्रॉफिट देखते हैं कितना निकल जाता है इससे। अब इसको सेल करने से 39,000 बने, तो कुल मिला के 180,000 के लगभग हमने लेटेस्ट सेल करके अर्न कर लिया है। क्या बात है भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट हमने इससे बना लिया है। और तो इस मंथ में कोई काम नहीं रह गया ना, बस एक बार को फूड वगैरह चेक कर लेता हूँ सबका, उसके बाद फटाफट से मार्च में चलते हैं। मार्च में हम प्लांटेशन भी करते रहेंगे, बाकी जो काम करना रहेगा उसको भी करते जाएंगे। ठीक है एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा फूड पड़ा हुआ है, इनके पास भी अच्छा खासा फूड पड़ा हुआ है, फूड की कोई भी दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉ वापस से खत्म हो गया, अरे यार कितनी जल्दी जल्दी स्ट्रॉ खत्म हो रहा है। इनके पास फूड है, इनके पास भी फूड है, चिकन के पास फूड है, चिकन के पास भी फूड है। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट मंथ चलते हैं, मतलब कि फेब में जाके ना थोड़ी बहुत और चीजें करेंगे, उसके बाद सीधा मार्च में चलेंगे, या तो डायरेक्ट मार्च में भी जा सकता हूँ मैं। नहीं 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 रुको रुको रुको, ग्रीन हाउस को चेक करना तो भूले गया, क्योंकि हर मंथ हमें यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। यस हाँ जी भैया जी, क्या सीन है? लिक्विड फर्टिलाइजर 619 लीटर, देखा अच्छा हुआ चेक कर लिया, नहीं तो हमारा जो भी प्रॉफिट होना था ना 3 मिलियन वाला वो तो चला ही जाता। तो इस पे हमेशा फोकस करना है। अब एक काम करता हूँ, डायरेक्ट ना मार्च में चलेंगे, फेब में नहीं चलेंगे भाई, क्योंकि अभी प्लांटेशन करने में भी बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, तो प्लांटेशन के साथ साथ जो भी करना रहेगा वो करते जाएंगे। ठीक है आ जाओ भैया जी, ये लो नो मोर कैपेसिटी है। ये पूरा फुल था क्या? नहीं इतना ज्यादा फास्ट फिल होता है ना पता ही नहीं चलता। चलो ये भी फुल हो गया, ये भी फुल, डन। चलो सब में लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया, ये मंथ स्किप करने के बाद वापस मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि हर मंथ में डालना पड़ता है। तो जैसे ही फेब होगा एक बार को मैं यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइजर डाल के उसके बाद मंथ को स्किप करूंगा। बाकी आप लोग देख लो 13.6 मिलियन अभी हमारे पास पड़े हुए हैं, मार्च में देखना कितने पैसे हो जाते हैं। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं मार्च में और पैसे देखो भाई 19.4 मिलियन हो गया। जिस स्पीड से यहाँ पर पैसे पड़ रहे हैं ना उस स्पीड से मुझे लगता है 10 वीडियो में ये सीरीज कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि भाई 100 मिलियन ही कंप्लीट करना है, एक वीडियो में 10 मिलियन हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। भाई साहब क्रेजी भाई, 10 मिलियन आज भी हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और चलो भाई आते ही ना सबसे पहला काम प्लांटेशन का काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यही चीज करने के लिए हम इस मंथ में आए हुए हैं। बहुत सारी चीजों का प्लांटेशन कर सकते हैं, तो जितना कर सकते हैं ना वो सारी चीजों करेंगे। बाकी यहाँ सबसे पहला प्लांटेशन तो मैं करने वाला हूँ सुगर केन का, क्योंकि आप लोग ना इसके लिए काफी टाइम से बोल रहे थे और आज तक मैंने भी सुगर केन का प्लांटेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार किया हुआ है। तो आ जाओ पहला प्लांटेशन हम यहाँ पर सुगर केन का ही करने वाले हैं। उसके लिए अपने को
सबसे पहले तो कुछ चीजें बाय करनी पड़ेगी। शुगर केन प्लांट किससे होता है? सीडर्स तो नहीं होता होगा, प्लांटर से भी नहीं होता होगा ना शायद, इसका कुछ अलग टेक्नोलॉजी आता होगा। एक सेकंड, ढूंढना पड़ेगा मुझे क्योंकि याद नहीं है मुझे भाई क्या होता है। ये रहा शुगर केन टेक्नोलॉजी, ये अपने को बाय करना पड़ेगा। बट ये तो छोटे वाला है, इससे बड़ा प्लांटर नहीं आता क्या? दिस प्लांटर कैन बी यूज्ड टू प्लांट शुगर केन। हाँ यही सिर्फ पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ है शुगर केन टेक्नोलॉजी, ये तो हार्वेस्टर है ना भाई, 3,49,000 का हार्वेस्टर आता है। नहीं हार्वेस्टर की जरूरत नहीं है, अपने को प्लांटर की जरूरत है, तो इसको पहले बाय कर लेंगे। एक ये है जो 1 मीटर का है, ये है ये 2 मीटर का है। भाई कितना ज्यादा कम है यार ये। चलो कोई नहीं, इसको बाय करो ठीक है। और आज मैं सोच रहा हूँ एक ट्रैक्टर भी बाय कर लिया जाए, काफी टाइम हो गया है कुछ नई चीजें बाय किए हुए। ट्रैक्टर वगैरह में हमारे पास कौन कौन सी ट्रैक्टर हो गई है? हमारे पास ये स्टार्टिंग की सारी ट्रैक्टर है, ये भी है शायद से, ये नहीं है ना, बाकी और भी कुछ ट्रैक्टर बची हुई है। हाँ अभी बहुत सारी ट्रैक्टर है जो हमें बाय करना है, तो धीरे धीरे सबको बाय करते रहते हैं। पहले तो इसी को बाय कर लेता हूँ ठीक है। 2,92,000 का है, 351 से 431 HP तक जाता है और इसका स्पीड 50 है, चलेगा ये अच्छा है। पहले तो इसकी पावर को बढ़ा लेते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं, ये मैक्सिमम है ना। चलो डन, इसको बढ़ा दिया। व्हील ब्रांड हम बिकेटिक लगाएंगे, अगर पड़ा होगा तो यस है। व्हील सेटअप को हम व्हाइट करें, ये अच्छा लग रहा है ना वेट के साथ, यस ये कूल लग रहा है देखने में। चलो कितना हो गया, 337,000, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, पैसों की कमी नहीं है, आने दो ठीक है डन। और एक चीज मैंने ये नहीं देखा कि इसमें फर्टिलाइजर जाता है, यस फर्टिलाइजर भी जाता है, डन सीन। चलो चलते हैं सीधा शॉप पे। ओके ये वाला ट्रैक्टर मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है भाई, न्यू ऑलैंड की क्रेजी ट्रैक्टर है। पहले इसको करते हैं कनेक्ट, यहाँ पर आ जाओ भाई। छोटा वाला ट्रैक्टर ले लिया क्या? इसके लिए आई थिंक बड़ा ट्रैक्टर लेना चाहिए था। हाँ शायद से इसके लिए थोड़ा बड़ा ट्रैक्टर लेना चाहिए था, बट ठीक है काम चल जाना चाहिए हमारा। इसको लेके चलते हैं फील्ड में, और एक बार को पहले ये चेक करें किस फील्ड में हम इसको प्लांट करने वाले हैं। हमारे पास ये दोनों फील्ड पड़े हुए हैं, तो इसमें प्लांट करें या फिर इस वाले फील्ड में? लेकिन इसको तो कल्टीवेट करना पड़ेगा अभी, नहीं तो इसी में प्लांट कर लेते हैं। चलो दो फील्ड है, दोनों में से किसी एक फील्ड में प्लांट कर सकते हैं, या तो फिर दोनों में शुगर केन का प्लांटेशन कर सकते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं, इसको अनफोल्ड करो पहले भाई। चलो ये अनफोल्ड हो जाएगा, और कहाँ से लगाऊं इसको? इस वाले फील्ड में लगाता हूँ, 88 वाले फील्ड में ठीक है। ये लग जाएगा यहाँ पर, इसमें लगा देता हूँ एक वर्कर। वेट इसमें फर्टिलाइजर बिल्कुल जीरो है ना? रुको 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 रुको, हमारे पास स्लरी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, उसको हम सेल भी कर सकते हैं और उसको हम ना एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर चलता हूँ, स्लरी के लिए क्या आता है, स्लरी टैंकर। आई थिंक स्लरी टैंकर से भी स्प्रेड कर सकते हैं ना, और यूज टू फर्टिलाइज द फील्ड। यस ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये तो स्टोर करने के लिए। भाई बड़े वाला मेरे को चाहिए यार, ये भी छोटे वाला है। इसका कैपेसिटी कितना है? 13 है। ये कितना है? 8.2। इसको बाय कर सकता हूँ, लेकिन इसको स्प्रेड करने के लिए ना एडिशनल अपने को ये चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, जो कि ये है। और ये वाला जो है दोनों अटैच आता है, 15 मीटर का एरिया कवर करता है। ओ ये अच्छा है, और भी ज्यादा पड़ा है क्या? ओ भाई इतनी बड़ी बड़ी पड़े हुए हैं, ये मैंने कभी देखा ही नहीं था। वेट 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 भाई साहब ये क्रेजी है। इसके लिए भी एडिशनल स्प्रेडर चाहिए, जो कि ये है। स्लरी डिस्ट्रीब्यूटर कैन बी अटैच्ड टू सूटेबल स्लरी टैंक। अच्छा ये इसमें अटैच होगा, और ये क्या है? इसमें कल्टीवेटर भी लगा हुआ है क्या? तो कौन सा बाय करूं? एक तो पहले इसको बाय करो ठीक है, डन। ओ नो कुछ था क्या इसमें? नहीं टैंकर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नहीं है, बस व्हील सेटअप वगैरह के लिए था। और एक इसको बाय करना पड़ेगा ठीक है, 1,25,000 का ये है, आने दो। और इसके लिए एक बड़ा ट्रैक्टर भी बाय कर लेते हैं भाई, दो ट्रैक्टर एक ही दिन में बाय कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, न्यू हॉलैंड का एक बड़ा वाला आता है ना, ये वाला, इसको बाय करते हैं। ये है 343,000 का, 469 से 692 HP तक है, इसको करते हैं भाई, क्रेजी है भाई ये भी। बस इसमें मुझे एक चीज पसंद नहीं है, ये बीच से मुड़ती है भाई, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। इसको पूरा मैक्स कर देते हैं, 1,11,500 लग रहा है इंजन सेटअप को अपग्रेड करने में। बीकेटी का टायर लगाएंगे बस इतना ही, 4,54,000 भाई इतना ज्यादा महंगा। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसे हैं हमारे पास। चलो इतनी चीजें बाय कर लिया, अब चलता हूँ फटाफट से शॉप पे। ओके तो ये कनेक्ट कैसे होगा? पहले आई थिंक ये कनेक्ट होगा टैंकर। भाई ये ट्रैक्टर चलाने में ना मेरे को गुस्सा आ जाता है भाई। ठीक है अब ये कैसे कनेक्ट होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, बट थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा है। आई थिंक इसको इसके बीच में लेके जाना पड़ेगा शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। पहले इसको मोड़ो, अरे यार इसको मोड़ना है ना, कितना मुश्किल वाला काम है भाई। ये ट्रैक्टर ना सांप की तरह चलती है, जाने दो। अरे यार यहाँ पे जगह ही नहीं है, कैसे लेके जाऊं? थोड़ा और आगे जाता हूँ यहाँ पर। हाँ अब चलता हूँ पीछे, जाने दो। सही है सही है सही है सही है, ठीक है जाने दो जाने दो जाने दो। अब मोड़ देता हूँ पूरा थोड़ा आराम से, सही है ना? ओके सही जा रहा है सही जा रहा है सही जा रहा है। क्या ये अटैच होगा इसमें, या फिर
मैं गलत कुछ कर रहा हूँ पता नहीं, ऐसे ही ट्राई करेंगे तभी होगा कुछ ना कुछ। ओके फाइनली सीधा हुआ, अब जाने देते हैं प्लीज कनेक्ट हो जा। ओ यस हो गया, नाइस, ये देखो मस्त कनेक्ट हो गया। चलो इसमें ना स्लरी चल के फिल भी करता हूँ, भाई बहुत ज्यादा मेरे पास स्लरी पड़ा हुआ है। और स्लरी का यूज शायद गैस वगैरह बनाने में भी कर सकते हैं ना, हाँ वो सारी चीजें भी कर सकते हैं, उसको भी मैं करूंगा थोड़े टाइम बाद। अभी तो पहले फील्ड में डाल देते हैं जिससे वो फील्ड फर्टिलाइज हो जाएगा, बस ये डायरेक्ट यहाँ पर फिल हो जाए, क्या पता ये फिल ना हो पाए तो यस हो जाएगा, सही है। इसकी कैपेसिटी 34,000 है ना, यस 34,500 लीटर है। चलो अब इसको लेके चलते हैं फील्ड में। भाई इसको खींचने में ट्रैक्टर रोने लग रही है, इतना पावर है ट्रैक्टर में फिर भी, ये भी ठीक है। ओके पहले इसको करते हैं अनफोल्ड, कितना एरिया कवर करेगा ये, तो कुछ ज्यादा ही एरिया कवर करेगा, ये वाला फील्ड दो बार में ही कंप्लीट हो जाएगा। ओ भाई ये देख रहे हो, क्रेजी भाई, नाइस, यस दो बार में पूरा फील्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको तो मैं खुद ही करने वाला हूँ, यहाँ से पहले सीधा करूंगा इसको। भाई जो भी है ये ट्रैक्टर भी रोने लग रही है इस टैंकर को खींचने में। इसको करते हैं डाउन और अब करते हैं इसको स्टार्ट। स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट हो गया क्या, नहीं, हेलो स्टार्ट कैसे होगा, डाउन तो कर दिया, स्टार्ट हाँ अब हो गया शायद से, यस। अब इसको सीधा लेके चलते जाते हैं, 50% फर्टिलाइज हो रहा है ना, एक बार को मैं चेक कर लेता हूँ। ओके तो अब इसमें फर्टिलाइजर हो गया 50%, चलो डन। इस फील्ड को कम्प्लीट करने के बाद ये वाले फील्ड में भी मैं स्लरी डाल दूंगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा, हेलो वेट, स्टार्ट हो जा भाई, स्टार्ट भी नहीं हो रहा, अभी टर्न ऑन है ना, हाँ अभी ऑन है, ठीक है अब जाने देते हैं। भाई क्या ही लग रहा है देखने में ना, एकदम हैवी सा, हैवी ट्रैक्टर, हैवी टैंकर और पीछे अटैचमेंट भी इसका एकदम मस्त हैवी लग रहा है, क्रेजी लग रहा है देखने में। यहाँ तक कम्प्लीट हो गया, पहले एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर चल के ना इस ट्रैक्टर पे लगा देता हूँ एक वर्कर जिससे कि ये प्लांटेशन का काम करता रहे यहाँ पर, और उधर से स्लरी डालता रहूंगा क्योंकि प्लांटेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये सिर्फ 3 मीटर का एरिया कवर करता है, ये देखो एक बार में सिर्फ इतना ही एरिया ये कवर कर रहा है, तो इसी वाले फील्ड का प्लांटेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला है। और फर्टिलाइजर देखोगे तो ये 100% हो जा रहा है, नाइस। इसमें मुझे वीडर चलाना पड़ेगा जो कि मैं बाद में चला दूंगा, अब मैं चलता हूँ यहाँ पर और यहाँ से इसको टर्न करके लेके जाता हूँ। भाई एक टैंकर इतनी जल्दी खत्म हो गया, ओ नो, ये देख रहे हो अभी पूरा फील्ड भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक टैंकर खत्म हो गया। अबे यार इन दोनों फील्ड में स्लरी डालने में ना आई थिंक 5 से 6 टैंकर आराम से लग जाने वाले हैं, बट ठीक है हमारे पास स्लरी इनफ क्वांटिटी में है तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ओके वापस से स्लरी लेके आ चुका हूँ, अब यहाँ पर इसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो ओके गाइस इन दोनों फील्ड में मैंने स्लरी डाल दिया, बस ये वाले फील्ड में देखोगे ना तो थोड़ा सा बाकी रह जाता है क्योंकि पूरा स्लरी खत्म हो गया। भाई दोनों काउ बांध के सारे स्लरी खत्म हो चुके हैं, तो अब जो ये इतना बाकी रह जाता है ना इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब क्या करें भाई। जब इसमें प्लांटेशन करना होगा ना तब तक स्लरी हमारे पास आ जाएगा, तो इसमें फिर से स्लरी डाल दूंगा। और यहाँ पर प्लांटेशन का काम भी काफी ज्यादा हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है। हाँ जी भैया जी कितना बाकी रह जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, लगभग 10 मिनट में ये पूरा प्लांटेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ एक ही फील्ड में सिर्फ शुगर केन रहने देते हैं, बाकी फील्ड में अलग अलग चीजों का प्लांटेशन करते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग भी कमेंट करके बताना, बाकी नेक्स्ट हम किस क्रॉप का प्लांटेशन करें वो भी कमेंट करके बताना, तो नेक्स्ट हम उसी चीज का फिर प्लांटेशन करेंगे। अभी तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीजों का प्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे ओट हो गया, कॉर्न हो गया, सनफ्लावर, सोयाबीन्स का नहीं कर सकते, पोटैटो, सुगर बीट, सिर्फ हम सुगर केन का प्लांटेशन अभी कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप है जिसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अभी फटाफट से काम करता हूँ, इस वाले पूरे फील्ड को कंप्लीट कराते हैं। ओके गाइस तो इस वाले पूरे फील्ड के प्लांटेशन का काम हो चुका है कंप्लीट, और आज भी हमने बहुत सारी चीजें किया, 2 न्यू ट्रैक्टर भी बाय किए, और भी अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी रह जाता है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कल बस इतना रहेगा, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।